हरे कृष्ण। तो आप सभी को आज के पावन तिथि श्री राम विजय उत्सव दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत विशेष तिथि है। श्रीपाद मध्वाचार्य जिनसे हमारा जिस संप्रदाय में हम हैं आज उनका भी आविर्भाव दिवस है, और हमारे इस्कॉन के गुरु वर्ग में से परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का भी आज तिरोभाव दिवस है। तो आज बहुत स्पेशल दिन है और आज का श्लोक भी बड़ा स्पेशल है। ब्रह्मा जी सृष्टि से पूर्व प्रत्येक दिन भगवान की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के मुख्य मतलब ब्रह्म संप्रदाय में महात्मा हमारे मेन आचार्य, जहां से हमारी कड़ी भगवान से जुड़ी हुई है। ये ब्रह्मा हालांकि जीव तत्व है लेकिन शुद्ध भक्त है, भगवान के द्वादश महाजन में से एक है। आचार्य अपने आचरण से लोगों को सिखाते हैं, आपने आचार्य प्रभु जीवे रस सिखाया। तो अपने आचरण से ब्रह्मा जी हमें सिखा रहे हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रत्येक साधक को क्या करना चाहिए। ब्रह्मा साधक के रोल में है, एक साधक को अपनी साधना का भी ध्यान रखना है और साथ के साथ भगवान की सेवा भी करनी है। ब्रह्मा दोनों कार्य कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में आप सबने सुना कि ब्रह्मा जी जैसे ही अपने ध्यान से उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, उन्होंने भगवान की स्तुति करना शुरू की और भगवान जो है अपनी योग निद्रा में है, तो भगवान को मानो उठा रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि ये हमारी अर्चना की पद्धति है, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। यानी सुबह सुबह जब हम उठे, भगवान के बारे में सुने, भगवान को प्रणाम करें, बिस्तर पे उठते ही सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। प्राचीन समय में, प्राचीन भी नहीं बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे, हम घर पे प्रायः देखते थे अपने माता पिता को, दादा दादी को, जब भी बिस्तर से उठते हैं तो पहले दायां पैर नीचे रखते, आप में से बहुतों को पता होगा ये, और पहले धरती को स्पर्श करके प्रणाम करते, क्योंकि माँ है, धरती माता है, माता का आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत कर रहे हैं और उसी के ऊपर हम चलने वाले हैं। पूरी रात उसने हमें शेल्टर दिया, तो ये सभ्यता है। ये भी ये ऐसा नहीं कि भक्ति में काउंट नहीं होता, ये भी भक्ति है। भूदेवी कौन है? भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की भार्या है। हम उनको प्रणाम कर रहे हैं तो हमारी भक्ति की शुरुआत वहीं से होती है। तो इसीलिए रात को सोने टाइम भगवान के बारे में पढ़ के सोना, प्रणाम करके और उठते ही भगवान को प्रणाम करना। क्यों ऐसा? ये निद्रा निद्रा मृत्यु के ही समान है। मृत्यु कुछ नहीं है, मृत्यु है आप इस शरीर में सो गए और दूसरे शरीर में जाग गए। उस बीच में कुछ अनुभव होते हैं, जो पापी आत्माएं होती है उनको यमदूत कुछ अनुभव देते हैं, जो पुण्य आत्माएं होती है उनको देवदूत कुछ एक्सपीरियंस देते हैं, और जो भक्त होते हैं उनको भगवान डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये निद्रा जो है मृत्यु के ही तुल्य है, जब हम पूरी तरह से अपने इस देह को भूल जाते हैं और आत्म साक्षात्कार तो हुआ नहीं है तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो हम निद्रा में गए घोर तमोगुण में और हम पुनः उठ गए हैं और अपना साधना कर सकते हैं, ये भगवान की कृपा के ही कारण संभव है। नहीं तो नींद में आदमी सबसे ज्यादा अनसेफ होता है। सारी प्रजातियों में सबसे अनसेफ असुरक्षित प्रजाति मनुष्य की ही, अगर आप देखें तो। बाकी जितने भी पशु हैं, पशु पक्षी, जब वो सोते हैं तो भी अलर्ट रहते हैं। किसी पक्षी को आप सोते हुए देखेंगे, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो एक आंख खोलकर सोते, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जरा सा हल्का सा आवाज हो जाए तुरंत उठ जाएंगे रात को। मनुष्य एक बार सो गया तो फिर तो आप टेक बजा लो, ऊपर बजा लो, या तो सुबह ही उठेंगे, अलार्म भी बजता रहे, मुर्गा बांग दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है 3 साल 4 साल 5 साल तक असहाय रहता, कुछ नहीं कर सकता। पशुओं के बच्चे पैदा होते ही उनको टांगों पर खड़ा कर दिया जाता है, भागना शुरू कर दे बेटा नहीं तो पीछे से शिकारी आएगा। लेकिन मनुष्य का बच्चा असहाय होता है। तो हम इस मनुष्य शरीर में हैं,
गर्व नहीं करना चाहिए ज्यादा, भगवान को हर क्षण धन्यवाद देना चाहिए कि आप ही रक्षा कर रहे हैं, और मैं जब निद्रा में गया तो कुछ भी हो सकता था, फिर भी आपकी कृपा से मैं जाग गया। नहीं तो सोने के बाद कुछ लोग उठते नहीं, उठ जाते हैं। तो भगवान इसीलिए उठते ही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान। ब्रह्मा जी हमें अपने आचरण से ये सिखा रहे हैं। ब्रह्मा जी को तपस्या करने का जो प्रेरणा है, तपस्या करने की जो प्रेरणा है, वो भी भगवान से ही प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा, इसी अध्याय में भागवतम का सबसे प्रसिद्ध चतुश्लोकी भागवत आएगा, आगे जाके भगवान बताएंगे। तो ब्रह्मा जी अब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। आप स्थिति देखें ब्रह्मा जी की, तो कौन है? प्रभुपाद से प्रभुपाद कहते हैं, ही इज द फर्स्ट इंजीनियर, फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग ऑफ दिस यूनिवर्स, फर्स्ट इंजीनियर, सेकेंडरी क्रिएटर, सर्ग विसर्ग। भगवान प्राइमरी क्रिएशन करते हैं, ब्रह्मा सेकेंडरी क्रिएटर। ब्रह्मा के माध्यम से भगवान सारा कार्य करा रहे हैं, तो ब्रह्मा कोई छोटी हस्ती नहीं है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा सृजन करने से, ऐसा नहीं कि एक बार बता दिया ना आपने, बार बार थोड़ी पूछूंगा मैं। ये जो बद्ध जीव है उसका अहंकार उसको ऐसा सोचने को मजबूर करता है, ठीक है, एक बार पूछ लिया, बार बार थोड़ी पूछ। दुर्योधन जब सहदेव उसको सभा में घुमा रहे थे, अपने महल में घुमा रहे थे, तो सामने उसको लगा कि स्विमिंग पूल है, मछलियां कई सारी, तो चलते चलते सडनली वो स्विमिंग पूल आया तो धोती संभालने लग गया। तो सहदेव मुस्कुराए, बोला ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये 3D पेंटिंग। 3D पेंटिंग अगर आप लोगों ने देखी तो लगता है ऐसा कि रियल है, ठीक है। फिर चल पड़े सीधा, थोड़ी देर आगे जाकर असली का स्विमिंग पूल पानी था, लेकिन स्फटिक में बनाया हुआ यक्षों द्वारा निर्मित महल है, और दीवार पे 3D पेंटिंग थी ऊपर सीलिंग पे, तो उसका रिफ्लेक्शन पानी में दिख रहा है। अब पानी एकदम शांत स्फटिक में, तो फर्क नहीं कर सकते कि ये फर्श है कि पानी है। फिर उन्होंने दोबारा थोड़ी पूछूंगा, गिरा फिर अंधे अहंकार के कारण, और उस ईर्ष्या को लेके गया जिसके कारण फिर महाभारत हुआ। ये जीव का अहंकार, एक बार पूछ लिया अब दोबारा बार बार नहीं पूछा। ब्रह्मा जी ऐसा नहीं करते, प्रत्येक दिन सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः, प्रत्येक दिन ब्रह्मा जी उठते हैं, तब बस भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से वापस इंस्ट्रक्शन लेते हैं, और उसके बाद फिर सृष्टि करते हैं। यह डेली का काम है ब्रह्मा जी। और भगवान बार बार ब्रह्मा के दिन में कई बार अवतार लेते हैं, बार ब्रह्मा की रक्षा करते हैं, वेदों की रक्षा करते हैं, ग्रीव अवतार में, मीन अवतार में, बार बार भगवान ही आके सारा कार्य करते हैं। लेकिन ब्रह्मा क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और मुस्कुराते हुए उत्तर भी देते हैं, और फिर भगवान पूरी शक्ति देते हैं ब्रह्मा को। फिर ब्रह्मा सिर्फ क्या करता है, श्लोक में क्या है, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि उनकी शक्ति से वो मेरी और मेरी तरफ कृपालु हो, जिनकी शक्ति से मैं आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं। इंट्रोस्पेक्ट प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते हैं, सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति, यानी may I be empowered with the introspection to create, विचार करने। ये थोड़ा टेक्निकल है। ब्रह्मा जी का शरीर जो पूरा बुद्धि का निर्मित है, हमारी तरह ऐसा स्थूल शरीर नहीं, उनका शरीर पूरा बुद्धि का है, वो बस ध्यान करते हैं और उनके शरीर से अलग अलग जीवों की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा के शरीर से उत्पत्ति हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा ही सबके पिता हैं। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदाह पिता, बीज भगवान दे रहे, पिता भगवान। तो ब्रह्मा का शरीर भौतिक है, लेकिन उसी शरीर से आध्यात्मिक भी प्रकट हो रहे हैं। नारद मुनि, नारद मुनि का पूरा शरीर आध्यात्मिक, मतलब उनका शरीर और आत्मा नहीं है, वो उनका स्वरूप है। नारद मुनि आध्यात्मिक जगत में उनका स्वरूप ऐसा ही है जैसे हमें यहां दिखते हैं। तो नारद मुनि भी ब्रह्मा से उत्पन्न हो रहे, तो भौतिक से कैसे कोई आध्यात्मिक आ रहा है बाहर? भौतिक चीजें भौतिक को ही रचना करती है ना, तो भौतिक शरीर से आध्यात्मिक। फिर हम कहते हैं नारद मुनि के पिता है ब्रह्मा, रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से होती है, उनके भी पिता कहलाते हैं ब्रह्मा, वराह देव भी ब्रह्मा से ही आते, ब्रह्मा के नासिका से। ये वराह के पिता नहीं बोलते ना ब्रह्मा। तो ये भगवान की शक्ति, भगवान कार्य कर रहे वास्तव में, ब्रह्मा तो बस ध्यान करते हैं और वो इंटरेस्ट मतलब आत्म निरीक्षण करते हैं, आत्म पर, अच्छा अब इनका निर्माण होना है, अब इनका निर्माण होना, अब ये प्रकट होंगे।
कर रहे हैं अल्टीमेटली भगवान उनके माध्यम से, क्योंकि ब्रह्मा की ये सेवा है। ब्रह्मा जो भी ब्रह्मा के पद पे हैं वो अभी भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं, वो सृष्टि करने की जो इच्छा है, मैं कुछ करूंगा बड़ा क्रिएट करने की, वो इच्छा अभी भी है। ठीक है, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो किसी भी भक्त के हृदय में कोई इच्छा रह जाती है, भगवान उस इच्छा को इस तरह से पूरा करते हैं कि वो भक्त पूरी तरह से विनम्र हो जाता है, उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है, भक्त पूरी तरह से विनम्र हो जाता है और फिर दोबारा वैसी इच्छा नहीं करता। हम देखते हैं ध्रुव महाराज के प्रसंग में, ध्रुव महाराज निकले थे ब्रह्मा से भी बड़ा पद प्राप्त करने, तपस्या किए, नारद मुनि आए, तपस्या किए, नारद मुनि ने उनको सब मंत्र दिया, और उसके बाद जब भगवान का दर्शन मिला तो क्या कहते हैं, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्त काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। कहते स्थान की अभिलाषा में, पोस्ट की इच्छा में मैं तपस्या करने के लिए स्थित हुआ हूं, आपको प्राप्त कर लिया जो देवताओं और मुनियों के लिए भी गुह्य है, मुनियों में जो श्रेष्ठ है मुनिन्द्र, देवताओं में श्रेष्ठ मुनियों में इंद्र, उनके लिए भी गुह्य है आप, मुझे वो प्राप्त हो गया, कांच ढूंढने निकला था हीरा मिल गया, अब कोई वरदान नहीं चाहिए। तो फिर भगवान क्या बोले, वेरी नाइस ध्रुव, लेट्स गो बैक होम, चलो। सारा ज्ञान दिए भगवान, अपना भक्ति का ज्ञान दिया भगवान, अपना शंख लेके स्पर्श कर दिया, शंख और कमल भगवान का भक्तों के लिए, चक्र और गदा असुरों के लिए। तो शंख टच कर दिया भगवान ने, स्पर्श करा दिया उनके माथे से, सारा भक्ति ज्ञान हो गया उनको, लेकिन भगवान तुरंत नहीं ले गए, जानते कि अभी भी हृदय में है, तो इसीलिए 36,000 वर्ष तक वो यहाँ पे शासन। और हमने शासन काल में ध्रुव महाराज की आगे की जो प्रार्थनाएं आप पढ़ेंगे चतुर्थ चौथे स्कंद में, पछतावा होता है उनको, क्यों मैंने मांगा, मैं अटक गया 36,000 साल के, तो ब्रह्मा बन गए अगर हम तो कितने सालों के लिए अटकेंगे, 311 ट्रिलियन 42 बिलियन ईयर्स। भक्ति कर रहे हैं ब्रह्मा जी, भक्ति कर रहे हैं, हम भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति है बड़ी सिंपल लेकिन इजी नहीं। प्रपोज इट इज सिंपल बट नॉट इजी, मतलब बाधाएं तो आएंगी, भौतिक संसार में रहने वाला जीव जब तक भौतिक संसार में बाधाएं आएंगी, ब्रह्मा जी को बाधाएं नहीं आती, कभी कोई असुर आ जाता है, कभी कोई डिस्टर्ब करता है, कभी कोई तपस्या करने बैठ गया वरदान मांग लेता है, फिर पूरा यूनिवर्सल डिस्टर्बेंस मैनेजमेंट डिस्टर्ब कर देता है, तो मैनेजमेंट करते 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 ब्रह्मा जी लाइक कभी कभार आउट हो जाते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझसे नहीं संभल रहा है, फिर भगवान आते हैं फिर से रिस्टोर कर देते हैं सिस्टम। तो इस तरह से जब तक संसार में रहेगा जीव तब तक कष्ट आएगा, चाहे वो शुद्ध भक्ति क्यों ना करे तो कष्ट आएंगे, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या गाते हैं, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, कीड़ा भी बना दो चलेगा लेकिन अपने भक्ति घर में पैदा करना, अपने से बहिर्मुख होकर ब्रह्मा भी मत बनाना, वो भी नहीं चाहिए। तो वास्तविक जीव की जो इच्छा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मेरा भगवान के साथ नित्य संबंध है, उस संबंध को कैसे मैं वापस स्थापित करूं, उसी के लिए प्रयास होना चाहिए। और इसीलिए ब्रह्मा जी जो है क्या कर रहे हैं, जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं यही कार्य हमें कर रहे हैं, भगवान से याचना कर कि आप अपना कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डालिए, बिना आपकी कृपा के कुछ नहीं होगा। तो हमारे शरीर में कोई शक्ति नहीं है, हमारे अंदर साधना की कोई शक्ति नहीं है, गाते हैं अपने गुरुवर के लिए, ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर पैदा से करुणा, अकेले मुझ में हरि नाम लेने का समर्थ नहीं है, आप कृपा करेंगे तो होगा। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा भी हु इज द हाईएस्ट बीइंग इन दिस यूनिवर्स, सबसे ऊंचे जीव है, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं होगा, आप कृपा करेंगे तो ये होगा। भगवान क्या है, भगवान सुहृद, भगवान सबके हितैषी है, भगवान सबके हृदय में स्थित है, तो भगवान ही डायरेक्ट करते हैं कैसे हम
उनके पास आए। तो जो शास्त्र भगवान ने हमें दिए हैं, ये शास्त्र इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा संबंध ज्ञान के बारे में बताते। हमारे महाप्रभु ने जो हमें शिक्षाएं दी है, महाप्रभु की शिक्षाओं को भक्ति विनोद ठाकुर ने 10 मूल सिद्धांतों में कैटेगराइज किया। कैटेगराइज मतलब 10 मूल उसके तत्व है, जिसमें से 7 तत्व जो है वो सिर्फ संबंध ज्ञान, यानी इतना महत्वपूर्ण है। यानी अगर आप इन ये जो 10 सिद्धांत महाप्रभु ने दिया है, मतलब कौन से 10 सिद्धांत को जन्म जिसे शिक्षाष्टकम सुना, शिक्षाष्टकम महाप्रभु ने सिर्फ बोला है, मतलब सिर्फ 8 श्लोक दिए हैं, लेकिन जो अपने आचरण से और अपने प्रचार से और अपनी शिक्षाएं जो उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और बाकी गोस्वामियों को दी, उसको भक्ति विनोद ठाकुर ने 10 मुख्य सिद्धांतों में सूचीबद्ध किया है। उन 10 सिद्धांतों को आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरे शास्त्रों का कल्मिनेशन। 7 सिद्धांत उसमें से सिर्फ संबंध ज्ञान है, तो इसीलिए शास्त्रों में ज्यादा से ज्यादा 70% से ज्यादा शास्त्रों में संबंध ज्ञान के बारे में बताया। वो संबंध क्या है कि मैं एक छोटा सा जीव हूं और भगवान जो है मेरे स्वामी हैं, कृष्ण परम सत्य हैं, उनकी अनंत शक्तियां हैं, मैं उनकी एक शक्ति तटस्था शक्ति का एक छोटा सा अणु कण, इसीलिए जो रसराज कृष्ण है उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा स्वभाव है। चाहे मैं बद्ध अवस्था में रहूं चाहे मैं मुक्त अवस्था में रहूं, भगवान की सेवा करना मेरा स्वभाव है। उस सेवा में जब हम लग जाएंगे वो हमारी मुक्ति है। मुक्त मुक्त स्थिति मतलब, मुक्त स्थिति मतलब जहां हम इस भौतिक कल्मश से, भौतिक पदार्थ के जो चंगुल से बाहर निकल के भगवान की सेवा में लग। तो ये मुख्य सिद्धांत है, इसीलिए आज के भी श्लोक में इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सबके पालन करता है, चाहे इस जगत में चाहे आध्यात्मिक जगत, वो सबके मित्र हैं, हितैषी सुहृद हैं। इसलिए हमारा और भगवान के बीच में एक शाश्वत संबंध, यहाँ संबंध ज्ञान की बात की जा रही है आज के तात्पर्य। तो भगवान एकमात्र मित्र है और भगवान अपने भक्तों की समय समय पर रक्षा करते हैं। सारा प्लान भगवान बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना भी भगवान का इंटेंशन। भगवान के भक्त खाली इतना जानते हैं कि ये कार्य तो हो जाएगा क्योंकि भगवान चाहते हैं। बहुत सुंदर एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में कि जब कोई चैतन्य महाप्रभु के मिशन में लगा है चैतन्य महाप्रभु के मिशन में कोई लगा हुआ है तो वो कार्य असंभव तो हो नहीं सकता, वो कार्य रुक जाए ऐसा होगा नहीं। इसीलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला 14वें अध्याय में कहते हैं, आदि लीला के 14वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, कथंचन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामितम। जो कार्य बहुत दुष्कर है वो आसान हो जाते हैं अगर कोई किसी भी प्रकार से ये न के न प्रकार न किसी भी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर ले। लेकिन अगर कोई उनको स्मरण नहीं करता है तो जो बहुत आसान कार्य होता है वो भी दुष्कर हो जाता है, वो भी संभव नहीं है। ऐसे महाप्रभु का, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान को स्मरण करने में, भगवान को प्रणाम करने की जो शक्ति है उसकी अनंत महिमा गाई गई है शास्त्रों में। ब्रह्मा जी यहाँ पे वही कार्य कर, सृष्टि करना अब बस जो भी थोड़ा बहुत भी साइंस से पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा, ये ब्रह्मांड देख के हमारा दिमाग चकरा जाता है। मतलब अगर कल्पना करने जाए कि पृथ्वी का आकार कितना है और फिर बाहर निकले हम अंतरिक्ष में और जो स्पेस देखें तो हालत खराब हो जाएगा हमारा खाली इमेजिन कर। तो सृष्टि करना कोई आसान कार्य नहीं, ब्रह्मा जी कर रहे हैं सारा, 14 के 14 भुवनों का निर्माण कर रहे और ऐसे अनंत ब्रह्मांड भगवान निर्माण कर। तो इतना दुष्कर कार्य कैसे आसान हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा भगवान का स्मरण कर, भगवान का स्मरण करने से सारा प्रोटेक्शन मिलता है। प्रहलाद महाराज केवल स्मरण करना जानते थे भगवान का, सॉरी स्मरण कर रहे हैं और उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए हिरण्यकशिपु। कितना आसान था हिरण्यकशिपु के लिए,
कुछ मुश्किल है, जिसने सारे देवी देवताओं को, इंद्र को, वरुण को, अग्नि को, सबको अपनी सेवा में लगा रखा है, सीढ़ी पे नहीं, देवताओं के पीठ पे पैर रख के सिंहासन पे चढ़ता था, प्रैक्टिकली पूरा ब्रह्मांड उसके कंट्रोल में था। ब्रह्मा, शिव और नारद, इन तीन को छोड़ के सब उससे डरते, तो प्रैक्टिकली पूरा रूलर बन गया ब्रह्मांड, लेकिन फिर भी 5 साल के बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। 5 साल के बच्चे को मारने में कितना टाइम लगता है, कोई मुश्किल कार्य है? क्यों? क्योंकि भगवान की स्मृति नहीं। प्रहलाद महाराज, जिस हिरण्यकशिपु के खाली पांव ऊपर करने से देवलोक कांप जाता था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि स्मरण में लगे हुए भगवान के स्मरण। तो ऐसे अनेक अनेक महिमाएं हैं, राम विजय उत्सव आज पावन तिथि है, जितने भी भगवान के सेवक हैं पूरे वानर सेना, केवल राम का नाम लेके इतने दुष्कर सेना पे विजय प्राप्त कर ली, नहीं तो रावण जैसा असुर और उसके सेना में एक से एक वीर योद्धा, जिनको देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, उनको ये वानर, जंगल के वानर, ये कैसे हरा सकते हैं? क्यों? क्योंकि नित्य स्मरण कर रहे हैं भगवान, और यही भगवान, हमने पिछली बार भी इसकी चर्चा की थी, सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातोचित, सारे सर्व वेद सर्व निधि विषेदस्या एता एव योर अपिंकर, जितने भी शास्त्रों में जो भी कार्य क्या करना है क्या नहीं करना है, नियम कानून दिए हुए, ये सब इसी एक मूल सिद्धांत के दास है, कि हर समय भगवान का स्मरण हो, कभी भी उनकी विस्मृति नहीं। उनका स्मरण असली धन है, उनकी विस्मृति सबसे बड़ा नुकसान है। जिसके पास भगवान की स्मृति नहीं है और सब कुछ है, वो फिर भी कंगाल है, लेकिन जिसके पास भगवान की स्मृति है, बाकी हो ना हो, सबसे धनवान व्यक्ति। ऐसे भक्त के लिए भगवान बिक जाते हैं, जो पूरी तरह शरणागत है, भगवान को स्मरण कर रहा है, बाकी काम भगवान कर लेते। तो और इस पे हम तो आखिरी लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मा जी उनके कृपा के लिए याचना कर रहे हैं, ताकि वो सृष्टि कर सके, सृजन कर सके, दोनों भौतिक और आध्यात्मिक, मरीचि और नारद जैसे। तो भगवान की शक्तियां हैं, भगवान प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक एनर्जी को एसी में कन्वर्ट कर सकता है या हीटर में कन्वर्ट कर सकता है, तो भगवान की शक्ति है, उसी का परिवर्तन होता है। तो इससे समझते हैं हम कि नहीं बनाया, नारद मुनि तो स्वतः प्रकट हुए, ब्रह्मा ने वराह देव को नहीं प्रकट किया, भगवान अपने आप आए। इसी प्रकार से बाकी सब जीव भी, ब्रह्मा को बस स्फूर्ति होती है, वो स्मरण कर रहे हैं भगवान के ऊपर, ध्यान कर रहे हैं, और भगवान उनको सारा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान जो अपने भक्तों के प्रति, जो शरणागत भक्त उनके प्रति बहुत ही स्नेह रखते हैं, तो इस स्नेह को प्राप्त करने के लिए हम भी क्या कर सकते हैं? ब्रह्म संहिता में जब ब्रह्मा जी अपनी स्तुति करते हैं, खत्म करते हैं, तब भगवान उन्हें, भगवान बोलना शुरू करते, और भगवान बताते हैं उन्हें कि जब भक्ति सरस्वती महाराज तात्पर्य में समझाते हैं कि वास्तविक ज्ञान यही है, वास्तविक ज्ञान है भगवान से अपना संबंध को समझ। तो भगवान वहां पे ज्ञान देने ब्रह्मा जी को कि शास्त्रों के अनुसार धीरे 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 साधना करते हुए मेरी शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति में भक्त स्थित हो सकता है। इसीलिए जो आगे जो भगवान ने यही सिद्धांत जो भगवान अभी चतुश्लोकी भागवत में देंगे, ब्रह्म संहिता के आखिरी के 5 श्लोक भी वैसे ही, तो भगवान कह रहे हैं कि साधना भक्ति आत्म साक्षात्कार करने के लिए अनुकूल है, जो हमें प्रेमा भक्ति तक लेके जाएगी। तो ये साधना भक्ति हमें भागवतम से प्राप्त होता है, नामधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरण। तो स्मरण तब होगा जब श्रवण कीर्तन अच्छा होगा, ये तीन कार्य नित्य चलते रहेंगे तो एक दिन प्रेम भक्ति में स्थित हो जाएंगे। और प्रेम भक्त, प्रेमी भक्त क्या करते हैं भगवान के? श्रवण कीर्तन ही करते। जितने भी प्रेमी भक्त हैं भगवान के, उनका एकमात्र कार्य इतना ही रह जाता है, भगवान का स्मरण करना, भगवान का कीर्तन करना। हम देख रहे भागवत में 10 स्कंद आप देखेंगे, 6 गोपी गीत, 6 अलग अलग गोपी गीत। जब गोपियां भगवान जाते हैं बाहर, तब
गा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान जब आते हैं तब गाती हैं, भगवान से विरह का अनुभव होता है तब गाती हैं, जब भगवान से मिलन होता है तब गाती हैं, अक्रूर जी जब लेके जाते हैं भगवान को तब गाती है। इस प्रकार से केवल कर क्या रही है, भगवान के गुणों का गान कर रही है। यशोदा मैया क्या करें, गुणों का गान कर रही है। तो ये आध्यात्मिक जगत है, यही साधना, यही साध्य है, यही साधन है। साधन यही है, भगवान का श्रवण कीर्तन करें ताकि उनका स्मरण बना रहे। और ये जब 24 घंटे हो जाएगा तो यही देह देखते देखते आध्यात्मिक हो जाएगा, और उस आध्यात्मिक देह में फिर जो है भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन निरंतर हो सकता है। अभी भौतिक देह है इसलिए नियम कानून के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि ये भौतिक देह जो है भगवान का प्रेम को स्टोर नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन भगवान का जो प्रेम है, भगवान का जो जो शुद्ध भक्त करते हैं, जिसको आप एक्सटेसी प्रॉपर राइट, वो इस भौतिक शरीर में नहीं, ये पात्र सही नहीं, तो पात्र बदलना पड़ेगा। आध्यात्मिक पात्र के अंदर ही वो आ सकता है, और ये सब राधा रानी से आता है। राधा रानी का जो महाभाव है उसी का कुछ कुछ अंश सारे शुद्ध भक्तों के अंदर है। तो जो भाव भगवान के प्रति जो आता है वो इस भौतिक देह में नहीं आ सकता, क्योंकि ये पात्र गलत है। लेकिन साधना भक्ति करते रहने से, श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहने से ये भौतिक देह आध्यात्मिक हो जाता है, और फिर ये पात्र बनता है भगवान के उस प्रेम को हैंडल करने का, स्टोर करने का। नहीं तो अभी इस समय जैसे महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, महाप्रभु जब यमुना में छलांग मार देते हैं, यमुना समझते हुए छलांग मार देते हैं समुद्र में, और उनको मछुआरा फिर पकड़ के लाता है। महाप्रभु का स्पर्श करते ही हरी हरी उसके मुंह से निकलना शुरू हो जाता, परेशान हो जाता इतना उस, लेकिन मुंह रुक ही नहीं रहा, क्योंकि महाप्रभु ने स्पर्श कर दिया, वो नॉन स्टॉप चल रहा है। फिर आके फिर नित्यानंद प्रभु ने जब उसको ट्रीटमेंट दिया तब वो चुप हुआ, तब शांत हुआ। नहीं तो ये भौतिक देह में संभव नहीं, लेकिन महाप्रभु का क्योंकि पूरा आध्यात्मिक है, तो कभी शरीर एक्सपैंड हो जाता था, कभी सिकुड़ जाता था। तो ये सब जब हम पढ़ते हैं शास्त्रों में तो इस पे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शरीर आध्यात्मिक है। जगन्नाथ जी सिकुड़ गए, अरे कैसे सिकुड़ गए, हाथ अंदर जाता है क्या? हाँ, आध्यात्मिक हाथ अंदर जाता है, भौतिक हाथ अंदर जाएगा तो फिर हमेशा दुबले बन जाएंगे। तो इसीलिए ये शुद्ध भक्ति का जो स्तर है, ये श्रवण कीर्तन स्मरण करने से, भगवान की कृपा की याचना करने से धीरे धीरे आध्यात्मिक हो जाएंगे, तब उस प्रेम को स्टोर कर सकते हैं आप, और यही जीवन की सिद्धि है। तो हम यहीं पे विराम देंगे, कुछ त्रुटि हुआ है कुछ तो क्षमा करिएगा, कुछ करेक्शन है तो दे सकते हैं, और किसी का कुछ टिप्पणी है या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।